ग्वालियर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला देवी और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी दोषी माना गया है। तीनों ही दोषियों पर 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। मामला करीब 10 साल पहले का है। महाराजपुरा इलाके में करीब 1600 वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाहा से किया था। इसके एवेज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7,43,000 वसूले थे। जब खरीदार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि जमीन सरकारी है और इसके एवेज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7,43,000 रुपए वसूले थे। जब खरीदार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि ये जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। फरियादी शाक्य ने जब अपने पैसे अजब सिंह कुशवाहा से वापस मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसका ये भी आरोप था कि दलित समाज के होने के नाते उसे आरोपी गणों ने जाति सूचक गंदी गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस ने 2014 में FIR दर्ज की थी। विशेष लोक अभिषेक मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी गण का कार्य प्रारंभ से ही फरियादी के साथ छल करने का रहा था। अभियोजन साक्ष्य के बाद अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने विधायक को दोषी माना है और तीनों ही लोगों को 2-2 साल के कारावास से दंडित किया है। कोर्ट में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला देवी और कृष्ण गोपाल चौरसिया मौजूद थे। उन्होंने न्यायालय से 2 सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने उन्हें फौरी तौर पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत स्वीकार कर ली और 15 दिन के भीतर हाईकोर्ट से अपनी जमानत को कंफर्म करने के निर्देश दिए। नहीं, इस घटना को क्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ तो जब कहीं ना कहीं दोषी उठना पाया हुआ जब है, जब दोषी कहीं ना कहीं दोषी पाया हुआ उन्होंने तो कोर्ट ने अपना कर्तव्य निभाया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार द्वारा आरोपी अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला कुशवाहा एवं कृष्ण गोपाल चौरसिया, इन तीन लोगों को जो है धोखाधड़ी के मामले में जो है दोषी पाया गया और 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला वर्ष 2011 का है। फरियादी पीएल शाक्य द्वारा जो है आरोपी गण से 1600 वर्ग फुट का एक प्लॉट परचेस किया गया था और उसको जिस भूमि पर आरोपी गण द्वारा कब्जा दिया गया वह शासकीय नौयत की भूमि थी और फरियादी जब अपनी भूमि पर निर्माण कार्य हेतु गया तो उसको ज्ञात हुआ कि उक्त प्लॉट पूर्व से भी बेचा जा चुका है और यह जो जगह उन्होंने कब्जे में उनको दिलाई है वह शासकीय भूमि है। तो फरियादी द्वारा आरोपी गण से अपने 7.5 लाख रुपये जो रजिस्ट्री की रकम थी उसको वापस मांगा गया। इस पर आरोपी गण द्वारा प्रार्थी पीएल शाक्य को जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत उसके द्वारा किए जाने पर मामला अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण एवं तर्कों के माध्यम से अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है और आज न्यायालय के द्वारा जो है विधायक अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी और कृष्ण गोपाल चौरसिया को दोषी ठहराया गया। हमारे स्पॉन्सर है गहना ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर डायमंड से बनी ज्वेलरी लेने के इच्छुक हैं? शादी के लिए लेना हो तो गहना ज्वेलर से ही लेना। गहना शोरूम आए और गहना ले जाएं। शुद्धता की फुल गारंटी। सराफा बाजार, ग्वालियर।